प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। सुंदर से रात्रि के समय हम आपको आदर और महिमा और धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आज हमें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें समय दिया है और हमारे प्राणों की रक्षा की, हमारी देख रेख की पिता, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास रखना है, धैर्य रखना है। आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का हल होने वाला है। जो आप इस समय चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, अपने लाइफ से, जीवन से परेशान हैं, विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास करने से ही हमारा उद्धार होगा और विश्वास करने से ही हम चंगे होंगे, विश्वास करने से ही हारे सारे हमारे जो कार्य हैं वो सफल होंगे यीशु नासरी के नाम से। तो चलिए आइए देखते हैं पहले कुछ वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर में बहुत बड़ी ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य की बातें बताने जा रहा है। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। परमेश्वर का कहने का मतलब क्या है? आज हम प्रभु यीशु मसीह की बातें को नहीं मानते हैं तो हम क्यों कहते हैं हे प्रभु कहते हैं। जो कोई मेरा पास यानी मेरे पास आता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। परमेश्वर ने क्या कहा? वह किसके समान है? आज हमें चिंतित नहीं होना है, आज हमें परेशान नहीं होना, आज हमें हताश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद करके चट्टान पर नींव डाली, जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी उस घर पर, परंतु हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बन गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो सुन करके नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया है, जब उस पर धारा लगी तो वह घर तुरंत गिर गया और गिर करके उसका सत्या नाश हो गया। तो आज हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मानना है। अगर आप आशीष को पाना चाहते हैं, अपने बेटे को जीवन की आशीष को पाना चाहते हैं, अपने घर को, अपने समाज में जहाँ पे आप रहते हैं, अगर आप उन्नति पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें कि प्रभु आपके जीवन में कैसे कार्य करे, किसके लिए, आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपके घर में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े चलते हैं, कोई केस चल रहा है, किसी प्रकार की दुख है, किसी प्रकार की तकलीफ है, या आप बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो मेरी बातें सुनता है, जो मेरा कहना मानता है, परमेश्वर उसके जीवन में ढेर सारा प्यार देता है, ढेर सारा उसे आशीर्वाद देता है और उसे एक नया मार्ग देता है, एक उत्तम मार्ग देता है, ताकि उसमें वो चल सके और फल को ला सके और अपने जीवन को बेहतर कर सके। तो यहीं पर परमेश्वर का वचन और कहता है कि दोष ना लगाओ, परमेश्वर का वचन कहता है, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी न ठहराए जाओगे। यानी क्षमा हमें करना है। आज हमें किसी के ऊपर जबरदस्ती दोष उसे नहीं लगाना है, किसी जबरदस्ती उसके जीवन में, लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, चाहे हमारी कितनी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो, क्या चाहे हमारे जीवन में कितनी बड़ी भी उसने कार्य किया हो, गलत हमारे जीवन में कार्य किया हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप जो होता है, दबा दबा करके, हिला हिला करके और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन फिर उसने क्या कहा? परमेश्वर ने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, क्या
आपको कोई अंधा या अंधा, जो दोनों अंधे हैं, एक दूसरे का मार्ग बता सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है। अगर आज आपने विश्वास किया, आपने धैर्य किया, परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। आप कर्ज से दबे हुए हैं, आप बोझ से दबे हुए हैं, आज परेशान हैं, अपनी नौकरी से परेशान हैं, आप घर में दुखित हैं, चिंतित हैं, मुसीबत है, शादी नहीं होती आपकी, आपके बच्चे की, आपके परिवार में किसी की, आपके साथी की, किसी की शादी अगर नहीं होती, उसकी सगाई या उसका एंगेजमेंट नहीं होता है, उसको लड़की या फिर लड़की नहीं मिलती, तो परमेश्वर उसे ढेर सारा ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा आशीष। अब आपके बच्चे को एक अच्छा रिश्ता मिलने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, आप भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा आपको प्यार देने जा रहा है, क्योंकि वो पिता परमेश्वर जो हमारा है वो सर्वशक्तिमान, उसके वचन के आधार पर देखते हैं। उसने कहा है, कोई अच्छा पेड़ अच्छा ही फल लाएगा और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाएगा। अगर आप ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, आप अच्छा पेड़ बनना चाहते हैं, तो आपके बच्चे जो होंगे उसमें अच्छे फल आएंगे। अगर आप पहचाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए दुआ कर सके और परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार दे। तो यहीं पर परमेश्वर ने कहा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और ना तो कोई निकम्मा पेड़ जो अच्छा फल लाए। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते ना झड़बेड़ी से अंगूर को तोड़ते हैं। भला मनुष्य अपने मन में भले ही भंडार में भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन में बुरे भंडार की बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है या मुंह से निकलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेड़ मजबूत हो, अगर आप मजबूत रहेंगे, आपके बच्चे अच्छे फल होंगे, अच्छी तरीके से आप उनकी परवरिश कर पाएंगे, उनकी देखरेख कर पाएंगे, उनको अच्छी तरीके से उनके जीवन में ग्रोथ होगा, उनको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, उनको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जैसा पेड़ वैसा फल होगा, क्योंकि जैसे आप होंगे वैसे आपके बच्चे होंगे। अगर आप अपने बच्चे के जीवन में अच्छा खुशहाल देखना चाहते तो अपने बच्चे का नाम लिखिए और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, अपने जॉब के लिए, सभी के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देने के लिए आए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने आए, परमेश्वर आपको प्यार करता है। आज उससे प्यार आपको करना होगा। आज अपने घुटने टेक करके प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। राजा हिजकिय्याह जिस तरीके से किया था, और बहुत सारे लोग ऐसे मसीह थे जिन्होंने किया, जिन्होंने प्रार्थना की, विनती की, और परमेश्वर ने हन्ना की जीवन की घटना को जब हम देखते हैं तो बहुत कुछ हमें वहां देखने को सुनने को मिलता है। राजा हिजकिय्याह की जीवन की घटना को हम जब देखे तो हमें वहां पे बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की, उनके समाज को, उनके घर को, उनके परिवार को, और उसको बचाया परमेश्वर ने। इसीलिए आज भी परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपके बच्चे को अच्छा ज्ञान देना चाहता है, अच्छी बुद्धि देना चाहता है, अच्छी समझ देना चाहता है। आप पाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मैं तेरे जीवन में काम करूं, और तुम मुझे कहते हो, हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातें नहीं देता, मुझे मेरे जीवन में कार्य नहीं करता, मेरे कार्य सफल नहीं होते। आज के बाद आपके हर एक कार्य सफल होंगे। अगर आपने विश्वास किया, धैर्य रखा, भरोसा रखा, तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए कहा कि दोष मत लगाना किसी के ऊपर। अगर तुम क्षमा नहीं कर सकते हो तो जरूर आपको क्षमा करना चाहिए। अगर आपके अंदर क्रोध है, जलन है, ईर्ष्या है, तो इसे हटा दो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने भी लोग हैं इस समय, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता जिनके अंदर दया ना हो, जिनके अंदर नम्र न हो, जो लोग दीन न हो, उनसे परमेश्वर प्यार करता है। अगर आपके अंदर दया नहीं है, अगर आप दूसरों पर दया नहीं करते, दूसरों की मदद नहीं करते और दूसरों पर देख करके तरस नहीं खाते, तो परमेश्वर आप पे तरस कभी नहीं खाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने भी हैं आप परमेश्वर के चरणों पे आकर के अपने घुटने को टेक करके आज अपने परमेश्वर से मांगिए कि पिता परमेश्वर, इस समय मेरे जीवन में जो भी घटी है और कमी है, परमेश्वर उसको ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा ब्लेसिंग कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो परमेश्वर।
आपकी बड़ाई हो, आपने पिता परमेश्वर कहा है, धन्य तो जो दीन दीन हो क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है, धन्य तुम जब अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे, धन्य तुम जब अब रोते हो तुम हंसोगे। अगर आप रोते हो तो परमेश्वर आपकी चीन में खुशियां लाने जा रहा है, अगर आप चिंतित है तो परमेश्वर आपको ढेर सारा ब्लेसिंग करने जा रहा है। अगर परमेश्वर ने कहा है धन्य जो तुम अब रोते हो क्योंकि हंसोगे, धन्य तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा मन नाम बुरा जान करके काट देंगे। परमेश्वर ने कहा है तुम्हें समाज से निकाल देंगे, लेकिन आपको चिंता नहीं करना, आपको डरना नहीं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर आपके साथ बैठा रहता है। इसीलिए परमेश्वर हमें संभालेगा, वो हमें ताकत देगा, वो हमें ज्ञान देगा, वो हमें बुद्धि देगा, हमें वो ताकत देने वाला हमारा चिंता जीवित वह परमेश्वर है। आज जिनका मन नहीं करता वो प्रार्थना को छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनका मन करता है वो प्रार्थना करे क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारा चमत्कार होने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां होने वाली हैं। उनको परमेश्वर हर प्रकार के केस से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार के घर की समस्या से सॉल्व करने वाला हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर आज हमारे सामने खड़ा है। उसने कहा तुम शत्रुओं से प्रेम करो, क्यों? परमेश्वर ने हमें शत्रुओं से प्रेम करने के लिए सिखाया है क्योंकि हमारे अंदर दया होनी चाहिए, तभी हम शत्रु से प्रेम कर सकते हैं, अपने दुश्मन से प्रेम कर सकते हैं। अगर जिस दिन हम अपने दुश्मन से प्रेम करना सीख लिया उस दिन परमेश्वर कहेगा तूने जीत लिया है, तूने जीत लिया है मुझे। इसीलिए परमेश्वर कहता है जिस दिन अपने शत्रुओं से प्रेम करना छोड़ देगा, चाहे वो आपके घर में हो, आपके पति और पत्नी के बीच में हो, आपके घर के परिवार में सदस्य में, लोगों में, भाई भाई में हो, बहन बहन में हो, किसी भी हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो क्योंकि जो आपसे नहीं बोलता है और आप उससे नहीं बोलते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम उससे बोलो, उससे प्यार करो, उससे बातें करो, उससे माफी मांगो। अगर आपने गलती की है तो परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार देगा, ढेर सारा ब्लेसिंग देगा। इसीलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आप संभालेंगे, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा परंतु मैं तुम्हें तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुमको श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे और तेरी दो छींव, किस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुदरता की। परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें ध्यान देना है, यहाँ पर लेने से भी ना रोक, परमेश्वर का वचन कहता है। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले, परमेश्वर का वचन कहता है, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रख करते हो तो इसमें क्या बड़ाई है, परमेश्वर ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर हम अपने घर वालों से ही प्रेम करते हैं तो इसमें क्या बड़ाई है। अपने दुश्मन से प्रेम करो जो तुम्हें श्राप देता है, जो तुम्हें मारने के लिए करता है, जो तुम्हें तक रहता है मारने के लिए, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने के बारे में सोचता है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए दुआ करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें तभी संभालूंगा, तभी मैं ज्ञान बुद्धि और समझ दूंगा जब तुम दयावंत बनोगे, जब तुम दीन बनोगे, लोगों पर दया करोगे और दयावंत बनोगे और दूसरों के जीवन को देख करके आप परमेश्वर से कहना कि पिता आज मैं अपने शत्रु को क्षमा करता हूं पिता, और इसको संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि ये मेरे प्राण का खोजी है, मेरे घर का, मेरे समाज का, मेरे देश का। तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेसिंग करेगा, वो जरूर आपको आशीर्वाद देगा परमेश्वर, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम अभिषेक होंगे। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय बीमार हैं, जो दुखी थे, जो चिंतित हैं। बड़े युवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। आज मेरे घर में जो बिलखते हुए हैं, जो रोते हुए हैं, जो इस समय चिंतित हैं पिता परमेश्वर, भटक रहे हैं, इनको कोई मार्ग नहीं मिलता पिता परमेश्वर, इनके बच्चे को कोई आशीर्वाद पिता परमेश्वर,
किसी तरीके की आशीष नहीं मिलती, लेकिन पिता आज इनको आप आशीष देने जा रहे हैं, इनके बच्चों को आशीष देने जा रहे हैं, जो अपने बच्चे के नाम लिखते हैं, जो बताते हैं कमेंट के माध्यम से, पिता परमेश्वर इनके जीवन में हर एक चीज की परिपूर्ण कर, पिता परमेश्वर आप तो हर एक चीज को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को देने वाले पिता आप हैं। आपके चरणों पे आकर के हम अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। आज आप हमारे साथ है पिता परमेश्वर, परमेश्वर आज हमें आज परमेश्वर में ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले पिता परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके बेटे और बेटियां विश्वास करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, क्योंकि आज इनके जीवन को आप देख रेख करने वाले, छूने वाले यीशु नासरी के नाम से। इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर दूर करने वाले हैं, क्योंकि आप पिता परमेश्वर महान हैं, आप दयावंत हैं पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर, आप इनको चंगाई देने चाह रहे हैं। इनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये कर्जे से दबे हुए हैं, इनके घर में श्राप है, बंधन है, कर्जे से ये दबे हुए हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आज इनके जीवन में इनको ब्लेस कर, प्रभु इनके जो दुख हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, और ये शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पुलिस को, कोर्ट के चेहरे कुछ भी इनके अंदर अगर चलता है, उनके घर में, परिवार में और इसके जीवन में हो, तो यीशु नासरी के नाम से आज जांच कर उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सत्कलम 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 सत्कलम, यीशु नासरी के नाम से जय यीशु नासरी के नाम से। इसके घर से कर्जे जय यीशु नासरी के नाम से। जिस समय ये रो रहा है पिता परमेश्वर, इसके घर में कर्जे बहुत है पिता परमेश्वर, ये दबा हुआ है पिता यीशु नासरी के नाम से। इसके बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है पिता परमेश्वर, ये हताश है, इस समय जो रो रहे पिता परमेश्वर, उसके आंसू निकल रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो देखने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप हमें ज्ञान बुद्धि और समझ और ताकत देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो प्रेमी हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं। इनके जीवन की हर एक चीज को परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक चीज को दे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके शैतान इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनके हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के संकट यीशु नासरी के नाम से छोड़ दी, यीशु नासरी के नाम से छूट पिता परमेश्वर, छूट पिता परमेश्वर। ए मसीह, मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, और इनके अनेक प्रकार के अंगों में इनको पिता यीशु नासरी के नाम से दर्द है, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज्ञा देते हैं चतुर शैतान, वो चतुर शैतान जो आपके जीवन में काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर, जला दे यीशु नासरी के नाम से। इनके हर प्रकार की बीमारियों को जला दे यीशु नासरी के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा जला दी सुनासरी के नाम से, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक, तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की बुखार, जुखाम, सर्दी, तमाम प्रकार के उनके जीवन में प्रॉब्लम्स है पिता यीशु नासरी के नाम से। हे पिता, उन्हें पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की रोगाणु जो विषाणु है उनसे सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। जिस समय चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने घर के जीवन को लेकर के, आर्थिक स्थिति हालात उनके सही नहीं यीशु नासरी के नाम से, उनके हर प्रकार के तमाम प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम से, कैंसर यीशु नासरी के नाम से जाए यीशु नासरी के नाम से, पेट में दर्द जाए यीशु नासरी के नाम से, सिर में दर्द है यीशु नासरी के नाम से जाए यीशु नासरी के नाम से। आप विदम बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु नासरी के नाम से, आज आप चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज वो चंगे करने वाला आपके साथ परमेश्वर आपके साथ, जैसे पिता परमेश्वर इनके बहुत सारी बीमारियां यीशु नासरी के, पथरी है पिता परमेश्वर, स्टोन है, कहीं भी किसी भी स्थान में वहां पे हाथ रख करके कहें यीशु नासरी के नाम से, आज्ञा देते आज्ञा देते इसी वक्त ये गल जाए यीशु नासरी के नाम से, वो स्टोन गल जाए यीशु नासरी के नाम से, वो स्टोन गल जाए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के बंधन, कर्जे, अनेक प्रकार के श्राप, अनेक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु, निर्बलताएं, तमाम प्रकार की जो खून की कमी बॉडी में आ चुकी है, जिन महिलाओं के, जिन माता पिता भाई बहनों के जीवन में बॉडी में खून की कमी आ चुकी है, उसको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, उसको आशीष करने जा रहा है। उसके बॉडी में सूजन आ गई है, किसी प्रकार की सूजन है, खांसी है, अगर पीलिया की बीमारी यीशु नासरी के नाम से गांठ है पिता परमेश्वर, वो कब्ज है, सीट है, किसी प्रकार के पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, दमा है, मुहासा है, मधुमेह है, ज्वार है, चक्कर उसको आता है, चक्कर आता है उसको, यीशु नासरी के नाम से उसको आज ठीक करने जा रहा है
भाई सुनासरे के नाम से, प्लीज करी सुनासरे के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सत्कलम 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 इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते कि हर प्रकार के शत्रु और हर प्रकार के जो खुजली है, हर प्रकार के सिर में दर्द है, टीबी की प्रॉब्लम से, जो भी किसी प्रकार की नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, ब्लड प्रेशर हाई हो लो हो जाता है पिता यीशु नासरी के नाम से, काली खांसी आती है, निमोनिया है पिता परमेश्वर, घबराहट को उलझन को महसूस कर रहे हैं, गठिया है, हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम, मानसिक रोग पिता परमेश्वर, मानसिक बीमारी, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार के आपके दर्द दूर होने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सत्कलम 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 इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की शैतानी ताकत को हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से, इसके घर से जाए, इसके बेटी के जीवन से जाए, इसके बेटे के जीवन से जाए, इसके जॉब से जाए, इसके घर में जो शैतानी ताकत काम कर रही यीशु नासरी के नाम से। आप कहीं भी जाते हैं तो शैतान आपके जीवन पीछे पीछे करता है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आप ही से मैं कह रहा हूँ जो अपने मन में सोच रहे हैं, आज्ञा दीजिए इसी वक्त की सुनासरी के नाम से, आप चंगे होने वाले, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाली सुनासरी के नाम से। आप अपने मन में सोच रहे हैं, आप अपने मन में सोच रहे हैं, मन में नहीं, हमेशा अपने दिल की बातों को खोल करके परमेश्वर के सामने रखिए और उससे बताइए पिता परमेश्वर मेरे जीवन में ये घटी, ये कमी, ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत है, ये मुसीबत है। परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने वाला सुनासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर सुनासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो कहीं भी किसी भी स्थान में बैठे हैं सुनासरी के नाम, जिनके मन में चिंताएं, जिनके मन में बहुत सारी प्रकार की सोच है, वो इस समय बहुत ओवरथिंकिंग सोच रहे हैं पिता परमेश्वर, रो रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे, वो चाहें उनको चंगा करें, उनको ठीक करें यीशु नासरी के नाम से। आप चिंतित मत हो, आप परेशान मत हो, आप हताश मत हो, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है, आपके बिजनेस में बड़ी बढ़ोतरी करने जा रहा है, आपके घर में परिवार में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चिंता मत करना, धैर्य रखना, भरोसा रखना, क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत, बहुत सारा प्यार और ढेर सारा आपको परमेश्वर प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मैं दुआ करता हूं कि आप कहीं भी किसी भी स्थान में हो, परमेश्वर आपको संभाल कर रखे, आपके जीवन में बरकत दे और आपको खुशहाल रखे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, कि किसी भी स्थान में बैठे क्यों ना हो, परमेश्वर इनको ढेर सारा प्यार दे पिता यीशु नासरी के नाम से। और आप जाते जाते इस वीडियो को शेयर दीजिएगा ताकि और लोग इससे इसकी प्रार्थना कर सके और अपने जीवन में परमेश्वर के प्रतिफल को पा सकें। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपने बारे में पूरे डिटेल्स के बारे में बताइएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, आपके लिए दुआ कर सकें कि आपके बच्चे के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, आपके घर में, आपकी नौकरी, बिजनेस, जॉब में किस तरीके की आप परमेश्वर से मदद पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार देगा अगर कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। अगर आप चाहते ही आपको अगर ऐसा लगता है कि डोनेशन देना चाहिए, दान करना चाहिए, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान कर सकते हैं। अगर आपको, अगर आपका मन है, आपका इच्छा है, तभी आप दान करें, अन्यथा आप परेशान मत होइएगा। अगर आपके पास बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का है तभी आप करें, या फिर और किसी माध्यम से आप कर सकते हैं तो आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भेज सक पाते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा बरकत दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।